आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे की ओर से आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसके बाद उन पर भारी भरकम जुर्माना ठोका गया है। मुंबई के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच के दौरान की गई उनकी ओर से गलती के लिए उन पर यह जुर्माना ठोका गया है। आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया था। इसी मैच में राजस्थान रॉयल पर धीमी गेंदबाजी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आईपीएल के 11वें सीजन में पहली बार राजस्थान पर धीमे ओवर रेट मामले में आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। ऐसे में टीम के कप्तान होने के नाते रहाणे पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें कहा गया है कि इस सत्र में टीम का पहला अपराध था और आईपीएल की आचार संहिता के तहत रहाणे पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि बटलर के नाबाद 94 रनों की मदद से राजस्थान ने 2 ओवर बाकी रहते ही जीत दर्ज कर ली थी। वायरल किड़ा न्यूज़।